मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि सबसे पहली बात तो बाली यात्रा जो है वो हजारों साल से होती चली आ रही है, उसका एक प्रचलन है और हिस्टोरिकल है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल चीज़ों को करने में. सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इवनिंग. हमारा जो है वो हम पूरे पैशन के साथ, पूरे जोश के साथ में यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो जनता है उसको पूरा का पूरा पूरा एंटरटेन कर सकें, और जिस लिए आए हैं वो एंटरटेन होने के लिए उनको पूरा पूरा एंटरटेन मिल सके, हमारी यही कोशिश रहेगी. भुवनेश्वर में बहुत सालों बाद आया हूँ, कोविड से पहले आया था, तो आई थिंक एक बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत जल्दबाजी थी यहाँ आने के लिए. तो और उससे भी खास बात यह है कि ऐतिहासिक बाली यात्रा में, बाली यात्रा जो महोत्सव है उसमें आने का मौका मिला और इतनी विशाल जनता के से हमें ना इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा. तीन साल तो आपको पता ही है कोई इतना इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा ह्यूज इतना क्राउड हमने पिछले कई सालों से देखा नहीं है, तो बहुत एक्साइटमेंट है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कहना ये इवेंट बहुत ही यादगार हो. अब मैं परफॉर्म करूंगा, परफॉर्म करने के बाद जो यादें मुझे बनेंगी वो मैं समेट के ले जाऊंगा. कटक के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत वार्म्थ है, बहुत प्यार है, क्योंकि भाईचारे का शहर है हम सभी जानते हैं, और बहुत ही म्यूजिक को प्यार करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट को प्यार करने वाले लोग हैं, इसलिए हर आर्टिस्ट यहाँ आना चाहता है. देखिए सबसे पहली बात तो उड़ीसा एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्रांत माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पे नुमाया है और मुझे ऐतिहासिक चीज़ें बहुत पसंद है, तो जाहिर सी बात है जहाँ ऐतिहासिक चीज़ें होंगी मुझे बेहद पसंद आएगा, इसलिए कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा मुझे बहुत पसंद है. आज मेरी कोशिश रहेगी कि क्योंकि सबसे हॉट गाना आज की डेट में श्रीवल्ली है, तो श्रीवल्ली मैं पूरे पैशन के साथ मैं आपको सुनाऊं एंड लोगों को मजा आए और लोग मेरे साथ में डांस करें, मुझे इतना मुझे ये एक्साइटमेंट देखना है और वो डांस का स्टेप करें जो श्रीवल्ली गाने में किया है अल्लू अर्जुन ने. तो आई एम श्योर ये जो शाम होगी वो बहुत ही ऐतिहासिक होगी और बहुत मजा आएगा लोगों को और हर जॉनर आपको सुनने को मिलेगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा. से कुछ रूह हवा दबा है.